बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस जो थे वो ड्राइव किए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज की। तो इन सारे एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें तो इन सारे एक्सप्रेशंस को एक क्वांटिटी कंट्रोल कर रही है जो कि यहाँ थीटा है और इसको हमने बाद में ओमेगा टी पुट किया, थीटा और ओमेगा टी बाद में इसको पुट किया है। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो है इसे कहते हैं फेज ऑफ मोशन। ये क्या 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 करता है, ये आप सब कुछ स्पेसिफाई करता है। जैसे कि आपको इक्वेशन से नजर आ रहा है ओमेगा टी से ही पता चलना है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओमेगा टी की वैल्यू पुट करने से ही आपको वेलोसिटी के बारे में पता चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रही है या टूवर्ड्स द सेंटर मूव कर रही है, ये भी हमें ओमेगा टी ने बताना है और ओमेगा टी से ही एक्सेलरेशन ने स्पेसिफाई होना है। तो ओमेगा टी जो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी जो फेज ऑफ मोशन है वो क्या करता है, वो बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, उसकी वेलोसिटी को स्पेसिफाई करता है, उसके एक्सेलरेशन को स्पेसिफाई करता है, उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी स्पेसिफाई करता है। तो सारी चीजें स्पेसिफाई हो रही है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से। अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज जिनको स्पेसिफाई कर लें तो बाकियों को स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़े। वो कौन सी है, हम सिर्फ पोजीशन की को स्पेसिफाई कर देते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन को स्पेसिफाई कर देते हैं तो बाकी सारी चीजें फिर जो है वो हमारी फिक्स हो जाती हैं। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फेज ऑफ मोशन जो है वो स्पेसिफाई करता है बॉडी की पोजीशन को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को। अब हमने यहां अज्यूम किया हुआ था कि बॉडी ने जब मूव करना स्टार्ट किया टी इज इक्वल टू जीरो पे तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। जब थीटा जीरो था टी इज इक्वल टू जीरो पे तो हमारे पास आफ्टर टाइम टी थीटा की ये वैल्यू आई। अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे थीटा जीरो नहीं है बल्कि उसकी कोई वैल्यू है, लेट से के फाई उसकी वैल्यू है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस इक्वेशन में क्या चेंज करनी पड़ेगी, हमें इसको पुट करना पड़ेगा आफ्टर टाइम टी के लिए थीटा हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल आ जाएगा, इसमें एक फाई नया नंबर एड हो जाएगा। तो आपके पास जो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा आ रहा था पहले या साइन ओमेगा टी, अब वो साइन ओमेगा टी नहीं रहेगा बल्कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। सिमिलर चेंजेस इन इक्वेशंस में भी आ जाएंगे। फाई यहाँ पे क्या है, फाई इनिशियल फेज है या फिर फेज कांस्टेंट है। फाई की वैल्यू जो है वो कोई भी हो सकती है। एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि फाई 90 डिग्री है। फाई 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि शुरू में जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया तो वो यहां नहीं थी बल्कि यहां पे थी। ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का इसके साथ ना। तो लेट्स से स्टार्ट में बॉडी यहां पे थी तो फिर इसका प्रोजेक्शन या सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी परफॉर्म कर रही है वो कहां थी, यहां पे थी। यानी अगर बॉडी स्टार्ट में मीन पोजीशन पे नहीं होती बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो फिर हम फाई को 90 पुट कर सकते हैं। तो यहां पे फाई की जगह 90 पुट कर दें, यहां पास आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। साइन में 90 अगर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, कॉस बन जाता है। तो यहां पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है ये भी बता रही है एक बॉडी की मोशन को, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। लेकिन इसमें और इस मोशन में क्या फर्क है कि ये जो मोशन है एक्स नॉट साइन ओमेगा टी वाली, ये स्टार्ट हो रही थी जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी और ये स्टार्ट होगी जब तो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग पोजीशन का डिफरेंस होगा।